वो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कत्ल के अहकाम के हवाले से जो है गुफ्तगू इशारा फरमाए कलाम किया। कत्ल वो गुनाह है कि हकूकुल्ला में कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आपने ये कई मरतबा सुन रखा है। हकूकुल इबाद के मामले में जिस गुनाह के बारे में पहला सवाल होगा वो कत्ल के बारे में होगा। यानी इतना बड़ा गुनाह है, सबसे पहला सवाल कत्ल के बारे में। और कितना बड़ा गुनाह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि मन कातला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदीन फीहा, कि जिसने किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल किया उसकी सजा ही जहन्नम है। और फरमाया वो उसमें हमेशा रहे, उसमें निश्चित। और ना हक कत्ल करने वाला उसकी तौबा भी कबूल नहीं होती, ना हक कत्ल करने वाले की दुआ भी कबूल नहीं होती। और इसलिए हमारे माशरे में कत्ल को, किसी को मार देने को ऐसे समझ लिया गया है कि जैसे माजल कोई भेड़ बकरी है कि उसको जिबा कर दो। ये आप आए दिन मीडिया पे तरह तरह की खबरें सुनते रहते हैं, बेशुमार ऐसे कत्ल हुए कि जो बिल्कुल नाहक, नाजायज और ना इंसाफी के बावजूद हुए। और फिर हमारी ये काम कमजोरी है, खामी है कि हमने हिबस को और हिर्स को, जाती भूख और अनाद को गैरत का नाम दे दिया हो गया। गैरत का नाम, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाए, किसी के खिलाफ कोई ऐसा मामला हो, तो क्या वो मामला गैरत पे मबनी है भी सही कि नहीं, ये देखना चाहिए। हमने सारे पैमाने अपने आप बनाए हुए, तो ये गैरत नहीं होती बल्कि जहालत होती। इस्लाम हमें इतनी जरूरी इजाजत देता है कि जितनी तुम्हारे साथ किसी ने ज्यादती की है इतनी तुम कर लो, इतनी तुम कर लो। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है अगर माफ कर दो तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। कि जब इंसान इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरता है उसमें लामहाला ज्यादती का जो है शुबा मौजूद होता है, क्योंकि रद्द अमल होता है, रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में जो है उसकी शिद्दत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे किसी बंदे ने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब जवाबी जब अमल आएगा, रद्द अमल आएगा, तो जो बंदा एक थप्पड़ खा रहा है वो मुमकिन है कि एक के बदले में पांच मार दे, तो वो चार इजाफी मारेगा, वो ज्यादती हो गई। इसी तरह मुमकिन है कि जिसने पहले थप्पड़ मारा है उसने 20 की स्पीड से मारा हो, तो जवाबी मारने वाला वो 90 की स्पीड से मारेगा, तो वो जो जवाबी जब मारेगा तो वो इतने परसेंट ऊपर क्या हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि माशरे में रहते हुए कई कई मामलात से इंसान को गुजरना पड़ता है। सबसे पहली तो चीज ये है कि इंसान को तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, इग्नोर करने का मादा होना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम जो है जब इंतकाम के रास्ते पे चले तो फिर ज्यादती में मुबतला ना हो। वो जब ज्यादती करेगा तो वो उसके लिए डबल गुनाह हो जाएगा। अब यहां पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, के कत्ल के मामले में तुम्हारे ऊपर बदला लेना फर्ज है। कत्ल का बदला फर्ज है तुम्हारे ऊपर, लेकिन उसका तरीका क्या है? अल उर्रु बिल उर्र, आजाद के बदले आजाद को मारो, वल अब्द बिल अब्द, गुलाम के बदले गुलाम को मारो, वल उनसा बिल उनसा, औरत के बदले औरत को। अब यहां पर एक बात ज़हन में रहे, ये इख्तियार हमें नहीं है, ये रियासत का इख्तियार है। ये नहीं है कि हर बंदा बिदौर पिस्तौल उठा ले और मतलब जो सामने है मतलब उसको पड़ता है, नहीं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आपने जो है उसकी FIR, उसका जो लीगल प्रोसीजर है वो आप करें। और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तायुन करे कि कौन कातिल कौन नहीं। क्यों? कि जब किसी भी रियासत का बंदा खुद अपने हाथ में ये कानून और फैसला ले लेता है वो फिर माशरा फितनों का शिकार हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है 2-3 साल पहले बड़ी एक खबर ब्रेकिंग न्यूज पे चली थी, गुजरात का एक वाकया हुआ था कि एक कत्ल के बदले में 17 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया, 17 अफराद।
इनको गैरत का नाम देकर उसने अन्य बात जो है मतलब काम शुरू किया जाता है, तो जो फिर ज्यादती पे मबनी होता है। ठीक है, तो ये ज्यादती फिर किसी सूरत भी जो है काबिल माफी नहीं है। ठीक, अल्लाह ताला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया है कि जितनी कोई ज्यादती करे उतनी कर लो, ये तालीम करना जरूरी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है, सरकार इस्लाम उस्ताद ने अपने अमल से भी किया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनीमतों का माल तकसीम फरमा रहे हैं, एक सियाबी ने ऊपर छुप के देख रहा कि मैं देखूं किसको कितना मिल रहा है। वो सियाबी ऊपर झुका ना, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ना छड़ी थी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छड़ी ना उस सियाबी को चुभो दी और माया ऊपर हो गई। वो सियाबी पीछे हट गया, जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तकसीम कर लिया ना, तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि सहाबा के सामने इसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई होगी, इसने मेरे बारे में पता नहीं दिल में क्या सोचा होगा। हजूर ने उसको बुलाया और हजूर ने फरमाया कि लो मैं मोहम्मद का जिस्म हाजिर है और जितनी मैंने तुझे वो छड़ी चबोई है ना उतनी चबो के तुम मुझसे बदला ले लो, मुझसे बदला ले लो। फरमाया कि मैंने आपको छड़ी चबोई है, तुम मुझे चबो और बदला ले लो। वो सहाबी अर्ज करते या रसूलुल्लाह, आपने जब मुझे वो छड़ी चबोई है ना तो मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, हजरत सल्लम ने अपनी कमीज भी उतार दी। फरमाया अगर तुम वो बदला लेना चाहते हो तो मैं भी कमीज के बगैर जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। जब हजरत सल्लम ने कमीज उतारी ना तो सहाबी रसूल पे कुर्बान जाए कितना खुश नसीब है कि वो अपना जिस्म ना हजूर के जिस्म के साथ मिला के बरकतें हासिल करते और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला, मैंने तो मोरे नबूवत को चूमने के लिए जो कमीज वो सहाबी ने बरकत भी ली मोरे नबूवत को भी चूमा। अब ये सरकार ने अपनी सीरत से बता दिया कि जितनी कोई ज्यादती करे उतनी जो है बदले के तौर पर हो सकती है। अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर इसलिए नाजिल के जमाने जाहिलियत में ये होता था कि वहां कबीलों की तकसीम थी, रंगों की और इलाकों की तकसीम थी, और बदकिस्मती से ये तासुब हमारे माशरे में भी बड़ी तेजी से घुसता चला जा रहा है कि जमाने जाहिलियत के लोग एक दूसरे के साथ बिरादरी लेवल पे सलूक करते थे कि हमारा खानदान उस खानदान से बड़ा है, हमारा खानदान हमारा कबीला उस कबीले से अच्छा है। रंग की बुनियाद पे फैसले होते थे कि वो अजमी है और हम अरबी हैं, वो गरीब है और हम अमीर हैं। इस्लाम ने इस सिस्टम को खत्म किया। अब वो करते क्या थे कि अगर अमीर की किसी औरत को गरीब मार देता था तो वो जो कबीलों के अमीर लोग थे वो औरत के बदले में औरत नहीं मारते थे, उनका मर्द मार देते थे। और इसी तरह अगर गरीब लोगों में से उनका कोई एक होता तो उसके बदले में जो है वो दो मार देते थे, इधर से कोई गुलाम मरता तो वो उनका आगे सरदार मार देते थे। तो ये इस्लाम ने मामला खत्म किया है कि इंसान होने के एतबार से हम सब एक हैं, इंसान होने के एतबार से, बाकी सिफात हैं वो मुख्तलिफ हैं, कोई इल्म में आगे है, कोई माल में आगे है, कोई अखलाक में आगे है, कोई किरदार में आगे है, वो सिफात है। इंसान होने के एतबार से इस्लाम ने कोई फर्क नहीं रखा, अमीर गरीब तकड़ा माड़ा जो भी है, रंग के एतबार से भी नहीं, कबीले के एतबार से भी। तो अल्लाह ने फरमाया ये नहीं है कि तुम जो है गरीब को भेड़ बकरी समझ के आ दो और तुम्हारी तरफ आए तो तुम और आगे कर दो, नहीं, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, मर्द के बदले मर्द, औरत के बदले औरत। और फरमाया फमन उफिया लहु मिन अखीहि शयइउन, अगर मक़तूल के घर वाले कत्ल करने वाले को माफ करना चाहते हैं फ़इत्तिबाउ बिलमारूफ, तो जो कहता कानून है उसकी पैरवी की जाए। अब वो कहता कानून क्या है कि अपना दियत, दियत उस रकम को कहते हैं जो मक़तूल के वरसा कातिल के खानदान से लेते हैं, और वो कितनी है 100 ऊंट, यानी शरई जो दियत है वो 100 ऊंट है, और उसकी अदायगी किस तरह है 3 सालों में किस्त वार अदा की जाएगी 3 सालों, और अगर कोई नकद भी देना चाहता है तो उसके लिए भी ये इजाजत है, लेकिन उसमें इस्लाम ने देखे कि उनके लिए भी ये नरमी रखी है कि अगर अल्लाह ना करे गलती से जान बूझ के जो मामला हो गया उसको रफा दफा करने के लिए जो है 3 साल का उसको टाइम दिया।
और फरमाया अदाउ मिलेंगे एहसान और उसकी अदायगी एहसान के तरीके से हो, ये नहीं है कि उस पर भी जुल्म शुरू कर दिया जाए या उनके माल पर भी जो है कब्जा कर दिया जाए या उनके घरों को जला दिया जाए या उनको जो है बेदखल कर दिया जाए, नहीं। ذالک تخفیف من ربکم رحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم, جو دیت لینے کے بعد معاوضہ لینے کے بعد قاتل یا اس کے خاندان پہ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. یہ چیز بھی جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انصاری معاشرے میں رہتے ہوئے کئی اتار چڑھاؤ اور بوجھ سوار یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے, پارٹ آف لائف ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی گھر میں خاندان میں کوئی جھگڑا ہو جائے اور صلح صفائی کا معاملہ آ جائے تو پھر صلح کو واقعی صلح کر کے کیا جائے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کنویں کا پانی نکالا جائے اور کتا جو ہے وہ کنویں میں کھڑا رہے, نہیں, بلکہ معاف کرنا ہے تو پھر کھلے دل سے معاف کرنا, اس کو محسوس تک نہ ہونے دیا جائے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ یا ہم نے آپ کے ساتھ یہ کوئی معاملہ کیا. یہاں پر اللہ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ قاتل کے گھر والوں سے آپ جو ہے وہ 100 اونٹ کے برابر دیت بھی لے لیں اور پھر ان کے خلاف جو ہے آپ اسلحہ اٹھا لیں, پھر ان کے خلاف جو ہے زیادتی کریں, ان کو رسوا کریں, ان کو ذلیل کریں, معاشرے میں جو ہے ان کی ناقدری اور بے قدری کریں. فرمایا جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا. اور فرمایا وعدکم فی قصاص حیات, یہ بھی بتا دی, فرمایا قتل کے بدلے میں قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی جب کسی مجرم کو, واقعی کسی مجرم اور گناہگار کو یا قاتل کو جب شرع عام سزا دی جائے گی تو پورا معاشرہ اس گناہ کے کرنے سے بچ جائے گا. اب ہمارے ہاں گناہوں کا سیلاب کیوں بڑھتا ہے؟ مثلاً بے شمار ایسے گناہ ہیں جو کھلے عام ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ جو ہے چیزوں کے ریٹ دیکھ رہے تو ہر دکان والے کا علیحدہ ریٹ ہے, ہر ریڈی والے کا علیحدہ ریٹ ہے. نشے کو دیکھ لیں وہ کتنا عام ہو رہا ہے گلی گلی میں, اس کے جو ہے مطلب ایجنٹ اور نمائندے بنتے چلے جا رہے ہیں. بدکاری اور گناہ, دیگر گناہ, معاشرہ آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے. تو اب اس میں یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس طرح کے جرائم کرنے والوں کو پراپر جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی, ان کے آگے جو ہے رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی. وہ جو پہلے ایک ہی لوگ جس میں پکڑا جاتا ہے, 2 ماہ کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ایک من میں پکڑا گیا, ٹھیک ہے. وہ اس ایک ہی لوگ اگر اس کو سزا جزا ہو جاتی تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ من بھی برابر نہ ہو. تو اسلام نے قتل کے معاملے میں ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے لیے زندگی یہ ہے کہ تم اس میں بدلہ کا اہتمام کرو. یہ نہیں ہے کہ قاتل ایک قتل کرے اور رات کو جو ہے پاؤں پکڑ جائے اور وہ جو ہے صلح صفائی ہو جائے اور پھر دوسرے دن کسی اور کو پھڑکا دے. اس طرح معاملہ ہے. اب ہمارے اب تو الحمدللہ پھر بھی اللہ کا کرم ہے, یہ جو پچھلے ہم نے 4-5 سال دہشت گردی کی زد میں پاکستان میں گزارے ہیں اس میں کس چیز کو بخشا گیا. مسجدیں نشانہ بنی ہیں, مدرسے نشانہ بنے ہیں, گرجا گھر نشانہ بنے ہیں, بازار نشانہ بنے ہیں, سکول, کالج, یونیورسٹیز, کھلے عام بازار, یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو ایک مائنڈ سیٹ تھا اور ان کو جو ہے وہ سزائے معاملے کے برابر تھی. اس لیے جب قاتلوں کو معاشرے میں اس طرح بے لگام چھوڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاشرے میں امن کی فضا جو ہے وہ روک لیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ ایک حد کو لاگو کیا جاتا ہے, ایک حد اسلام کی حدود ہے, بھائی چوری کی یہ حد ہے, ڈاکے کی یہ حد ہے اور اپنا بدکاری کی یہ حد ہے, شراب کی یہ حد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی جگہ ایک حد لاگو ہو جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ 40 سال اس جگہ پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے, ایک حد. اور پھر اس کا آپ متبادل دیکھیں, آپ کو صرف دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ کی حدود کا نفاذ نہیں ہوتا, جہاں پہ اللہ کے اصول قانون قائم نہیں ہوتے, وہ پھر برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو قتل کے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت جاری فرمائی ہے, ایک تو یہ کہ بھئی قتل کے بدلے میں قتل,
और अगर माफी का मामला है तो उसमें दियत अदा की जाए और उसको दिल से कबूल किया जाए, फिर दिल से माफ कर दिया जाए। और तीसरी अहम बात यह कि माशरे में अमन व अमान को बढ़ाने और उसको कायम रखने के लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो बेहद हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अव्वलन तो घर हो, माशरा हो, मस्जिद हो, बाजार हो, कोई भी जगह हो, सबसे पहली हर बंदे मोमिन की ये कोशिश हो कि वहाँ के अमन को पहली तरजीह में रखे। अमन कि वहाँ पे जितना हो सके अमन के लिए किरदार अदा करे, कोई ऐसी बात ना करे, कोई ऐसा अमल ना करे, कोई ऐसा किरदार अदा ना करे कि जिसमें किसी भी घर माशरे मोहल्ले का अमन खराब हो। ये इसलिए मैं जोर देने की बात कर रहा हूँ कि हर जगह, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे अफराद होते हैं कि उन्होंने फितरों को अपने हाथ में लिया हुआ होता है और जहां पे मर्जी जाके ऐसे हाथ खोलते हैं और फितरे की आग भड़का के शहर के हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जहन में रखना चाहिए और उन पर नजर रखनी चाहिए और उनसे बचना चाहिए ताकि अमन से जो माशरा तरक्की पाता है वो फितने और फसाद से नहीं पाता। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें एक पुरअमन माशरा बनाने, एक पुरअमन शहर बनने और उसके लिए किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ना करे अगर किसी जगह पे ऐसा कोई मामला हो जाता है, अल्लाह शरीयत के मुताबिक उसको हल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم